जी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। सांसद वरुण गांधी ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों को अन्याय, भ्रष्टाचार तथा रोजगार के सवाल पर अपने साथ जोड़ा। कहा कि अपनी आवाज़ उठाओ, FIR और मुकदमे के डर से चुप मत बैठो, क्योंकि वरुण गांधी आपके साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी बड़ी कुर्बानी से मिली है, उसी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। सांसद ने अपनी ही सरकार के समक्ष रोजगार का सवाल उठाया, तंज भी कसा। सांसद ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात कही जा रही थी, इसके लिए वह धन्यवाद देते हैं। साथ ही ये कहना चाहते हैं कि 10 लाख नौकरियां बात का विषय है, पहले खाली पड़े 1 करोड़ पदों पर भर्ती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में इस समय 10 सरकारी नौकरियों में से 7 संविदा पर रेवड़ी की तरह बांटी जा रही है। वह बोले, मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि राजनीति एक पेशा, मैं राजनीति में राष्ट्र की मिट्टी का मान सम्मान बचाने के लिए आया हूँ। मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ, अगर कोई माई का लाल हिंदुस्तान को दीमक की तरह खा रहा हो तो मैं नाम लेकर आवाज़ उठा सकूँ। सांसद वरुण गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को नमन किया। उन्होंने रोजगार के लिए संसद में बिल रखे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि देश की जब बेरोजगारी खत्म होगी, बेटे व बेटियों को रोजगार मिलेगा, तो वरुण गांधी बेरोजगारी की बात करना बंद कर देंगे। कस्तूरबा स्कूलों को नई कंप्यूटर लैब मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद निधि का इस्तेमाल जिले के 7 कस्तूरबा स्कूलों को कंप्यूटर और प्राइमरी स्कूलों को फर्नीचर देने में किया है। अब आने वाले दिनों में वह सांसद निधि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेंगे। वरुण गांधी बीते काफ़ी समय से BJP पर जमकर निशाना साध रहे। अगर देखा जाए तो वरुण गांधी जनता के मुद्दों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं और जनता वरुण गांधी को बहुत अच्छे ढंग से जो है वो देख भी रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जनता का बड़ा समर्थन वरुण गांधी को मिल रहा है। क्या आने वाले समय में वरुण गांधी जो है वो BJP के खिलाफ बड़ी बगावत कर सकते हैं, जैसे कि माहौल अभी देखने को मिल रहा है। SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।